भाइयों, इस्लाम में पाकीजा मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी का रिलेशनशिप है, वो निकाह की बाइंडिंग के साथ, निकाह की बाइंडिंग के साथ। इस्लाम में ये मंगेतर का कॉन्सेप्ट इस एतबार से कोई नहीं है कि किसी का रिश्ता तय हुआ हुआ है, अभी निकाह नहीं हुआ तो वो फ्री आपस में गपशप शुरू कर दे, और अगर मनकूहा भी हो, निकाह भी हो चुका हो, तब भी वो अलैदगी में नहीं मिल सकते। और लोग मुझे अक्सर ईमेल्स कर रहे होते हैं जी क्यों नहीं मिल सकते जी, मियां बीवी हैं। मेरे भाइयों, ये मियां बीवी हैं, अलहदगी में कोई काम डाल बैठे, कल को मंगेतरों की भी मंगनियां टूट जाती हैं और कल को वो मर्द उसी औरत के ऊपर इल्जाम लगा दे कि जी इसके साथ जो मामला हुआ है मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल हराम है कतन कि अगर निकाह भी हुआ हुआ है वो पब्लिकली जरूर मिल सकते हैं किसी कंबाइंड गैदरिंग में, अलादा से ऐसे मियां बीवी भी अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल क्लियर कट मसला है। और मंगेतर वाला तो मामला ही गलत है ना जी, वो तो रिश्ता हुआ ही नहीं है, उसकी तो इस्लाम में कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला मामला, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। इसी तरीके से ये पाकीजा मोहब्बत का भी एक कॉन्सेप्ट है जी, वो हीर रांझा और जी लैला मजनू और सस्सी पुन्नू और मिर्जा साहिबा, ठीक है ना जी, ये सारे के सारे मेरे भाई ये सारी किताबी और ये शायरों की बातें, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई पाकीजा मोहब्बत होती है। मर्दों औरत के दरमियान जब वो गैर महरम होंगे तो सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ रिश्ता जो है वो मियां बीवी का लॉक है, निकाह की बाइंडिंग के साथ। इसके अलावा किसी चीज की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। भाइयों, इसी तरीके से ये वैलेंटाइन डे के ऊपर तोहफे तहाइफ पेश करना और कहना जी ये पाकीजा मोहब्बत है, कोई टच नहीं कर रहे, ये जरा इन लोगों से पूछें कि आपकी बहन के साथ कोई पाकीजा इस तरह की मोहब्बत आके करे तो आपको हजम होगी, जो दूसरों की लड़कियों के साथ आप ये मामलात करते हैं। तो ये बिल्कुल बेशर्मी पे मबनी है, इसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। मैंने इसलिए मसला नंबर 106 रिकॉर्ड करवाया है, तकरीबन 30 से 35 मिनट की गुफ्तगू है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लड़के और लड़कियों की डेट्स पे मुलाकातें, और ये इसी एतबार से ये सारे इश्यूज मैंने उसमें रिजॉल्व किए हैं। और मैं अपना एक गोल्डन कोट वहां पर भी बोला था, आज मैं फिर रिपीट करता हूं कि मेरे भाइयों, एज फार एज बेहयाई इज कंसर्न्ड इन दिस मॉडर्न ईरा, इस मॉडर्न दौर में जहां तक बेहयाई का ताल्लुक है, ये इतना बड़ा फितना है कि इस फितने का लाखवां हिस्सा भी सहाबा इकराम या अहले बैत अलैहिम रिदवान व अलैहिम सलाम को नहीं गुजरना पड़ा। उन पे और आजमाइश आई किताल की शक्ल में, लेकिन क्या सहाबा निकलते थे तो बाहर बेपर्दा औरतें नजर आती थी, या चौराहों के ऊपर 20x40 फीट के मोबाइल कंपनियों के बेहुदा औरतों के बैनर्स नजर आते थे, या उस जमाने में व्हाट्सएप और यूट्यूब और ये स्काइप के जरिए, मैं इनकी पॉजिटिव चीजें जो है उनका मैं शिद्दत से हामी हूं, मैं नेगेटिव चीजों की बात कर रहा हूं, ये मामलात से इनसे तो उनको गुजरने ही नहीं पड़ा, ये आजमाइश तो उनके ऊपर आई नहीं है, उन पर दूसरी आजमाइशें आई किताल की शक्ल में। लेकिन जिस तरीके से उम्मत को इस वक्त आजमाया गया इस बड़ी आजमाइश से, ये बहुत क्रिटिकल इशू है, बहुत ही ज्यादा, और नौजवान नस्ल का इस एतबार से बेड़ा गर्क हो चुका है। और मैं इसीलिए बात करता हूं कि कुरान हकीम में भी बार बार बेहयाई के हवाले से अल्लाह ताला स्ट्रिक्टली इरशाद फरमाता है, और आप अपने माशरे में भी देख लें, जब भी हम कभी गुनाह की बात करते हैं, गुनाह का तसव्वुर लेके आते हैं, पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बेहयाई, सेक्स, ये नेचुरल चीज है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए बड़ा स्ट्रिक्टली सूरतुन नूर में सारे सोशल इश्यूज डिस्कस किए, और ये आयत मैं यहां पे रिपीट करूंगा, औदु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरतुन नूर की आयत नंबर है 21। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के रास्तों की पैरवी मत करो। पंजाबी जैसे कहते हैं थींदे थींदे थी जाता है बंदा जी, हम तो सिर्फ मैसेजेस करते हैं पाकीजा मोहब्बत है, हम तो सिर्फ एक दूसरे को देख लेते हैं पाकीजा मोहब्बत है, कभी टच नहीं किया। मुझे आते हैं फोन लोगों के, वो कहते हैं पाकीजा मोहब्बत, तो मैं तो फिर चढ़ाई कर देता हूं कि पाकीजा मोहब्बत कौन सी इस्लाम में एग्जिस्ट करती है। ये खुतुवात शैतान है, ये बैनर्स, ये वीडियोज, ये सारी चीजें मत पैरवी करो इन शैतान के रास्तों की। वह मई यबी खुतुवात शैतान, और जो कोई पैरवी करेगा शैतान के रास्तों की, फइन्नहू यामुरु बिलफहशा, तो बेशक शैतान तो बेहयाई का ही हुक्म देगा, वल मुनकर, और हर बुरे काम का। देखें अल्लाह ताला ने हर बुरे काम में क्या बेहयाई नहीं आती, दुनिया का हर गुनाह
बुरा काम है और बेहयाई भी उसमें से एक है, लेकिन अल्लाह ने इसे डोमिनेट करके पहले नंबर पे जिक्र किया कि बेहयाई का शैतान हुक्म देता है और बुरे कामों का। इससे आपको सेंसिटिविटी का अंदाजा हो गया। वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का तुम पर फजल ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत शामिल हाल ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई एक भी ऐसा ना होता कि वो कभी पाक हो सकता, सबके सब ही पलीद रहते। यानी तुम्हारी कोशिश जरूर है लेकिन अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल है, ये दोनों चीजें पैरेलल में है, तो तब अल्लाह ताला तुम्हें गुनाहों से महफूज रखता है, बेहयाई से बचाता है। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला तो पाक कर देता है जो पाक होना चाहे उसको, एक ये तर्जमा बनेगा, और दूसरा यह कि अल्लाह ताला पाक फरमा देता है जिसको चाहता है। ठीक है जी। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला है और इल्म वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे भाइयों सूरतुन नूर की वो आयत बड़ी क्रिटिकल, तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी हदायत अल्लाह के रास हाथ में है, और जो कोशिश करेगा उसे कोई उसी को हदायत मिलेगी। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरह अल अनकबूत की आखिरी आयत है। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो किसी को जबरदस्ती हदायत तक पहुंचाएगा। हदायत जो है वो इस कायनात की सबसे इलीट चीज है, ये आपको फुटपाथ पे चौराहे पे मुफ्त पड़ी हुई नहीं मिलेगी, कोशिश के बाद मिलेगी। कन्नू कड लो ये गल, जो कोशिश करेगा उसी के लिए अल्लाह ताला अपनी राहें खोलेगा। सिर्फ दुआ करवाने से और सिर्फ तमन्ना करने से ये नहीं, कभी तमन्ना करने से किसी का पेट नहीं भरा, कोशिश करके कोई चीज मुंह में डालेंगे फिर ही पेट भरता है। तो बाकी हम कोशिश करेंगे कि लोग पर्दे की तरफ आए, अदरवाइज जबरदस्ती घोट के तो किसी को हम घोल के हक नहीं पिला सकते। और दिल बेईमान ते उजता टेर, पंजाबी में मुहावरा बोला जाता है कि जिसका दिल बेईमानी पे उतरा हो तो उसके लिए हुजतें जो हैं वो ढेर हैं, उसके लिए फिर दलायल लेम एक्सक्यूजेस बेशुमार हैं। आप 1000 दलायल भी पेश करें ना, वो बात मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। जिसका दिल बेईमानी पे उतरा हुआ है, जो बात मानने वाला है, उसको आप एक दफा कोई कुरान की आयत या हदीस बता देंगे ना, वो कहेगा जी अच्छा जी मनु नहीं सी पता, मैं इंशाअल्लाह ताला समीअना व अताअना, सुना और इताअत इख्तियार की। तो ये मामला बड़ा क्रिटिकल है, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होंगे फिर अल्लाह ताला आपकी बाजू पकड़ेगा और इंशाअल्लाह हदायत तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात के सामने सर तस्लीम खम करने की तौफीक अता फरमाए।